एजुकेशन पोर्टल पर कर्मचारियों की ई सेवा पुस्तिका अपडेट किए जाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे शिक्षकों के कुछ प्रश्न आ रहे थे, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। सबसे पहला जो प्रश्न शिक्षकों का आ रहा था, जो बहुत सारे शिक्षकों का प्रश्न था, कि पूर्व से जो शैक्षणिक योग्यता की इसमें एंट्री हुई है, क्या इसे हम एडिट करके नवीन एंट्री कर सकते हैं? तो इसमें जवाब है कि जो पूर्व में आपके शैक्षणिक योग्यता की एंट्री इसमें हुई है, इन्हें आप किसी भी परिस्थिति में एडिट या डिलीट नहीं कर सकते हैं। आप केवल इसमें नवीन जो शैक्षणिक योग्यता है जिनमें आपको वृद्धि करना है, केवल इन्हीं एंट्री को आप कर सकते हैं। जो खाली बॉक्स है केवल इन्हीं में आपकी एंट्री होगी। सपोज यदि आपने स्नातक की एंट्री पूर्व में कर चुके हैं और पुनः आपने स्नातक किसी अन्य विषय से किया है, और जो नवीन विषय से आपने स्नातक किया है इस विषय से आप इसमें स्नातक की एंट्री कराना चाह रहे हैं, तब ऐसी परिस्थिति में आपकी नवीन विषय की इसमें एंट्री नहीं हो पाएगी। केवल स्नातकोत्तर का यदि बॉक्स खाली है तब इस बॉक्स में स्नातकोत्तर की आप एंट्री कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य कि इसमें पूर्व में जो एंट्री हो चुकी है, इन एंट्रियों को किसी भी परिस्थिति में एडिट या डिलीट नहीं किया जा सकता, केवल नवीन एंट्री इसमें की जा सकती है, वो भी यदि बॉक्स यदि खाली है तो। दूसरा प्रश्न इसमें आ रहा था कि नॉमिनेशन डिटेल में यदि पूर्व के नॉमिनेशन को हमें डिलीट करना है तब क्या हम इससे डिलीट कर सकते हैं? तो इसमें बताना चाहेंगे कि वर्तमान में एजुकेशन पोर्टल में जो पूर्व के नॉमिनी हैं इन्हें डिलीट करने का हटाने का ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन आप नवीन नॉमिनी जो है इन्हें आप इसमें ऐड जरूर कर सकते हैं। अब इसमें तीसरा प्रश्न जो बहुत सारे शिक्षकों को आ रहा था कि हमारा हिंदी में नाम यदि त्रुटिपूर्ण है तो इसे संकुल के द्वारा सुधार कर दिया जाएगा, लेकिन यदि हमारा नाम, पिता का नाम, हमारा उपनाम या जेंडर जो कि अंग्रेजी में है और वो त्रुटिपूर्ण है, तब इसे हम कैसे सुधार सकते हैं? तो इसके लिए DPI के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की जानकारियों को सुधार करने के लिए आपको EKYC करना होगा, और EKYC के माध्यम से जो त्रुटिपूर्ण अंग्रेजी में नाम आपके अंकित हो चुके हैं इन्हें सुधार कर लिया जाएगा, लेकिन इसमें जो जानकारी आपकी आएगी वो आपके आधार से रिलेटेड जानकारी रहेगी। जो आपके आधार में अंकित होगा आपका नाम, पिता का नाम, जेंडर, वही जानकारी आपकी ई सर्विस बुक के अंग्रेजी के नाम में आएगी। इसमें चौथा प्रश्न जो कुछ शिक्षकों का आ रहा था कि सर हमारे इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें चूंकि हमने पूर्व के वीडियो में भी बताया, आज पुनः बताते हैं कि कर्मचारियों के यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन होने के उपरांत इसमें ई सर्विस बुक अपडेट के ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे। चूंकि अपडेशन का कार्य DDO के माध्यम से किया जा रहा है, तो केवल DDO के लॉगिन ID और पासवर्ड से ही इसमें ई सर्विस बुक के अपडेशन के ऑप्शन दिखाई देंगे और ई सर्विस बुक को अपडेट किया जाएगा। अब इसमें अगला प्रश्न जो कुछ शिक्षक साथियों का आ रहा था कि शैक्षणिक योग्यता की जो एंट्री पूर्व में हुई है, यदि इसमें त्रुटिपूर्ण जानकारी अंकित हो चुकी है तब क्या करें? तो इसमें बताना चाहेंगे कि वर्तमान में एजुकेशन पोर्टल में DDO के लॉगिन ID और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत भी इन जानकारियों को एडिट या डिलीट करने के ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। अब यदि कर्मचारी की त्रुटिपूर्ण जानकारी अंकित हो चुकी है तब ऐसी परिस्थिति में इसकी सूचना आपको संकुल और अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दे देना है। हो सकता है कि इन कार्यालयों से इसकी जो त्रुटिपूर्ण जानकारी है इसे सुधारने के कोई ऑप्शन दिए जाए। इसमें एक और प्रश्न जो आ रहा था कि कर्मचारी DDO के लॉगिन में शो नहीं हो रहे हैं, तब ऐसी परिस्थिति में निर्देश दिए गए हैं कि यदि कर्मचारी DDO के लॉगिन में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो इन्हें ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट सेंड करना है अपने DO कार्यालय में, जहां से अप्रूव होने के पश्चात कर्मचारी संबंधित DDO में प्रदर्शित होने लगेंगे। तो ये थे ई सेवा पुस्तिका के संबंध में आपके सवालों के जवाब। आशा है आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि अभी भी कोई प्रश्न आपके शेष रह गए हों तब आप इन्हें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए और अपना ढेर सारा स्नेह देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।